नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखो, इस एडिटोरियल के अंदर कहा गया जा रहा है, मिस्टर मोदी इन इसराइल ही रीअफर्म्स स्पेशल टाइज। कहा जा रहा है कि वहाँ से मोदी इसराइल में है और उन्होंने जो एक विशेष संबंध है, टाइज का मतलब संबंध से, उसकी क्या पुष्टि की है, उसको और पक्का किया है। ही रीअफर्म्स स्पेशल टाइज अंडर प्लेस हिस्टोरिकल स्ट्रेस इंडिया हैज गिवन टू द फलस्टाइन इशू। उन्होंने पुष्टि की है कुछ विशेष संबंध की और कम करके आंका है, दिखाया है जो ऐतिहासिक जोर डाला गया भारत के द्वारा फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर। व्हाइल बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉरी व्हाइल वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द तेल अवीव, हिज इजराइल काउंटर पार्ट बेंजामिन नेतन्याहू सेड द कंट्री हैज अवेटेड द विजिट फॉर 70 इयर्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव में स्वागत करते हुए उनके जो काउंटर पार्ट उसी पद पर जब समकक्ष दूसरे जो होते हैं उनको कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव में स्वागत करते हुए या करते समय इस इजरायली काउंटर पार्ट यानी कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू said his country has awaited the visit for 70 years, कि उनके देश ने इंतजार किया इस यात्रा का 70 सालों से। since the birth of 1948 of Israel, whose admission to the United Nations, India subsequently opposed, कहा जा रहा है जब से 1948 में इसराइल का जन्म हुआ और संयुक्त राष्ट्र में उनका उसके शामिल किए जाने का उसके बाद भारत ने क्या किया था, विरोध किया था। इजरायली लीडर हैड ऑलवेज सॉट फुल डिप्लोमेटिक टाइज, तो इसराइल के नेताओं ने हमेशा कोशिश की कि एक पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध हो। एंड वंस द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज इन 1992, और जब नरसिम्हा राव की सरकार ने ठीक है पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए 1992 में, इसराइल पुस्ट फॉर अ फुल एक्लॉजमेंट ऑफ द बायलेटरल रिलेशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, तो इसराइल ने कोशिश की, धक्का दिया, कहने का मतलब कि पूर्णतया मान्यता दी जाए द्विपक्षीय संबंध को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। एज ए रिजल्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मिस्टर मोदीज विजिट टू इसराइल एज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर देयर वॉज द ट्रिप इटसेल्फ, और इसके परिणाम स्वरूप जो महत्व है वहाँ से मोदी के यात्रा कहाँ पर इसराइल में, एक भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो कि जिन्होंने की वहाँ यात्रा की और वो यात्रा अपने आप में क्या हो चुका कि महत्वपूर्ण हो चुका। तो कहा यह जा रहा है कि ये सारे की सारे पृष्ठभूमि को देखते हुए वहाँ से मोदी की जो यात्रा है इसराइल की, पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने वहाँ की यात्रा की, ये यात्रा अपने आप में क्या हो चुका है, महत्वपूर्ण हो चुका। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द कैमेडराई बिटवीन द टू प्राइम मिनिस्टर हु स्पेंट प्रैक्टिकली एवरी वेकिंग मोमेंट टूगेदर। तो कहा यह जा रहा है कि ये इस चीज़ में ये जो सौहार्द है, जो भाईचारा जैसी स्थिति है, वो इस चीज़ में परिलक्षित हुआ दिखा दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में। जब उन्होंने लगभग व्यवहारिक रूप से देखें तो प्रत्येक क्षण साथ साथ बिताए। द एग्रीमेंट साइन ड्यूरिंग द विजिट on water, agriculture, space and science technology are important no doubt but not path breaking. कहा जा रहा है कि जो समझौते इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए on water यानी कि जल पे, कृषि पे ठीक है, अंतरिक्ष पे, science and technology यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे are no doubt important, ये सारे के सारे क्या हैं, महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शंका नहीं है, बट नॉट पाथ ब्रेकिंग, लेकिन ये कहीं ना कहीं अग्रगणी नहीं है, इसको सबसे आगे नहीं रखा जा सकता। दे सिंपली अंडर स्कोर ऑन गोइंग कॉपरेशन इन सच फील्ड। कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर से, साधारण तौर से यदि देखा जाए तो जोर डाला
कि जो चल रहा सहयोग है ऐसे क्षेत्रों में, यानी कि जैसे वाटर, एग्रीकल्चर, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में इन दोनों के बीच में सहयोग पहले से चल रही थी, और उस सहयोग के ऊपर इस यात्रा ने क्या किया, थोड़ा जोर डाला, एज वेल एज इन द डिफेंस सेक्टर और साथ में रक्षा क्षेत्र में। इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ द इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट, भारत जो है वो हो गया है सबसे ज्यादा बड़े खरीदार के रूप में इसराइल के रक्षा उपकरणों का। तो इसराइल के रक्षा उपकरणों के खरीदार के रूप में देखें तो भारत सबसे आगे रहने वाले राष्ट्रों में से एक है। कॉपरेशन ऑन द साइबर सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस्ड बाय द ऑफिशियल्स ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज विजिट कंस्टिट्यूट अ ब्रेक थ्रू ऑफ सॉर्ट गिवन दैट इसराइल टेंड्स टू लिमिट कॉपरेशन इन दिस एरिया टू अ फ्यू कंट्रीज। कहा जा रहा है कि साइबर सुरक्षा के मामले में सहयोग जो कि बातचीत की गई इस अधिकारी की यात्रा के दौरान वहाँ से मोदी के, कंस्टिट्यूट ए ब्रेक थ्रू ऑफ सॉर्ट, तो एक तरह का आप कह सकते हैं एक तरह का महत्वपूर्ण खोज कहा जा सकता है, एक तरह की नई पहल कही जा सकती है। गिवन दैट इसराइल टेंड्स टू लिमिट कॉपरेशन इन दिस एरिया टू अ फ्यू कंट्रीज, यह देखते हुए कि इसराइल की का जो इरादा है कि अपने सहयोग को इस क्षेत्र में कुछ देशों तक ही क्या करें, सीमित करें। अ डिसीजन वॉज अनाउंस टू अपग्रेड टाइज टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो एक निर्णय घोषित की गई कि इस वृद्धि की जाएगी रणनीतिक जो सहयोग है उसमें, सिग्नलिंग ए फाइनल स्टेप टू टोटल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है अंतिम कदम के रूप में कि पूर्णतया संबंधों में क्या किया गया कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, कि चीजों को एक सहज कर दिया गया। परहैप्स दिस इज व्हाई मिस्टर मोदीज एड्रेस टू इजरायलीज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन तेल अवीव, और शायद इसी कारण से वहां से मोदी का जो भाषण था इजरायली जो कि भारतीय मूल के हैं तेल अवीव में, विद अ प्रॉमिस टू एड्रेस वीजा इशूज, और जिसमें उन्होंने वादा किया कि वो निपटारा करेंगे वीजा से संबंधित मुद्दों का, एंड इम्प्रूव एयर कनेक्टिविटी, और हवाई यात्रा का जो जुड़ाव है उसको बेहतर करेंगे। हैड ए इमोशनल पिच डिफरेंट फ्रॉम हिज मीटिंग विद द डायस्पोरा एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक पहलू ले गया जो कि अलग है फ्रॉम हिज मीटिंग विद द डायस्पोरा एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, जब वो अप्रवासियों से विश्व के दूसरे हिस्से में मिलते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब विश्व के दूसरे हिस्से में भारत के अप्रवासियों से मिलते हैं और उस समय जो उनकी जो कनेक्टिविटी है, उनकी जो बातचीत है, उनका जो संवाद है, वो इस जगह पे तेल अवीव में जब भारतीय मूल के लोगों से मिले तो वहाँ पर बिल्कुल एक इमोशनल या भावनात्मक पहलू पे था, जब उन्होंने ये बात की कि भाई वीजा के मुद्दे का निपटारा होगा और दो देशों के बीच में हवाई यात्रा की जो कनेक्टिविटी होगी उसको बढ़ाई जाएगी। हाउएवर द बेस्ट फ्रेंडशिप आर जस्ट नॉट जस्ट बाय बायलैटरल वॉर्म आई बट बाय द एबिलिटी टू डिस्कस अनकंफर्टेबल इशूज, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो सबसे अच्छी जो दोस्ती होती है उसका जांच परख सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय एक मिलनसार, एक घुलने मिलने से नहीं होता है, बल्कि बाय एबिलिटी टू डिस्कस अनकंफर्टेबल इशूज, बल्कि ये क्षमता कि जो असहज मुद्दे है उसके ऊपर बातचीत करने का जो मादा है या बातचीत करने की जो क्षमता है उसके हिसाब से देखी जानी चाहिए। विद मिस्टर मोदीज विजिट इंडिया हैज फॉर ऑल पर्पस डीहाइफिनेटेड इट्स टाइज विद द इजराइल एंड फिलिस्तीन, समथिंग इजराइल हैज ऑलवेज वांटेड। कहा जा रहा है वहां से मोदी के यात्रा के साथ ही भारत ने सभी सभी उद्देश्यों से यदि देखें तो दूरियों को कम किया है किसके साथ, इसराइल और फिलिस्तीन के साथ, जो कि इसराइल हमेशा से चाहता था। इन ए क्लियर रेपुटेशन ऑफ द इंडियन प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग फिलिस्तीन लीडर प्रोमिनेंटली इन द लूप, कहा जा रहा है कि स्पष्ट तौर से इस चीज को रिजेक्ट करते हुए, इनकार करते हुए कि भारत का जो तौर तरीका रहा
कि फिलिस्तीनी नेताओं को एक महत्वपूर्ण रूप से अपने लूप में रखा जाए, संबंध के दायरे में या घेरे में रखा जाए। मिस्टर मोदी मेड ए पॉइंट ऑफ नॉट विजिटिंग द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, और वहां से मोदी ने यहाँ पर अपनी बातों को एक तरह से देखें, मेडे पॉइंट का मतलब बातों को एक तरह से देखें तो स्पष्ट किया, जब वो अधिकृत क्षेत्र में उन्होंने यात्रा नहीं की। द डिपार्चर वॉज मोर प्रोमिनेंट इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, और ये जो लीक से हटके वो गए वो ज्यादा और महत्वपूर्ण रूप से दिखा संयुक्त वक्तव्य में। That contained a short paragraph on the Israel-Palestine peace process, उस संयुक्त वक्तव्य के अंदर एक छोटा सा आप कह सकते पैराग्राफ है इसराइल और फिलिस्तीन के शांति प्रक्रिया के ऊपर, विथ नो रेफरेंस टू द यूएन रेजोल्यूशन, जिसमें कि कोई संदर्भ नहीं दिया गया संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का, द टू स्टेट सॉल्यूशन, या दो अलग अलग राज्य करके इस समस्या के समाधान करने का, और इवन द नीड टू रिज्यूम टॉक्स, यहाँ तक कि जरूरत है कि बातचीत की शुरुआत की जाए, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि फिलिस्टाइन की जो का जो आप एक तरह से अधिकार की बात करें तो उस अधिकार को नजरअंदाज किया गया, ये जो संयुक्त वक्तव्य दी गई उसके अंदर। दैट मिस्टर मोदी हैड स्पोकन ऑफ ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फेलिस्टाइन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास टू इंडिया जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स एगो, जैसा कि वहां से मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास के भारत यात्रा के समय कहा था, ठीक है, जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स एगो, कुछ ही महीने पहले। इट वुड हैव बीन मोर इन कीपिंग विद इंडियाज स्टेचर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, कहा जा रहा है कि ये ज्यादा इट वुड हैव बीन मोर इन कीपिंग, ये ज्यादा उस हिसाब से होता भारत की जो का जो कद है अंतरराष्ट्रीय मंच पे, एंड इट्स पर्टिकुलर लीवरेज विथ ऑल प्लेयर्स इन द वेस्ट एशिया स्पेशली ऑन फिलिस्टाइन, और इसका जो पर्टिकुलर लीवरेज है, लीवरेज का मतलब यहाँ पर दबाव डाल के या बातचीत से अपनी बातों को रखने की बात हो रही है, वैसे लीवरेज का जो लिटरल मीनिंग होता है फायदे लेने से, तो कहा जा रहा है कि एंड इट्स पर्टिकुलर लीवरेज विथ ऑल प्लेयर्स इन द वेस्ट एशिया स्पेशली ऑन फिलिस्टाइन, कहा जा रहा है इसकी खास तौर से जो इसका एक कह सकते हैं लिवरेज का मतलब प्रभाव से समझ लीजिए, जितने भी यहाँ पर संबंधित पक्ष हैं पश्चिम एशिया में खास करके फिलिस्तीन के ऊपर। हैड मिस्टर मोदी मेड ए विजिबल अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इसराइल ए कमिटमेंट टू ए पीस प्रोसेस, यदि वहां से मोदी ने कोई दिखने वाला कोशिश किया होता कि इसराइल से किसी न किसी तरह की प्रतिबद्धता ली जा सके किस चीज के ऊपर, शांति प्रक्रिया के ऊपर, तो कहा जा रहा है कि भारत का जो एक तरह से दबदबा देखें पश्चिम एशिया के सभी देशों के ऊपर है, खास करके फिलिस्तीन के ऊपर, और ऐसी स्थिति में यदि वहां से मोदी इसराइल से कोई ये कमिटमेंट या प्रतिबद्धता ले पाते किस चीज के ऊपर, शांति प्रक्रिया के ऊपर, तो ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो इसका कद है उसके हिसाब से होता। इवॉल्विंग टाइज विद इजराइल नो डाउट आर बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिज्म, तो कहा जा रहा है कि भारत का जो बदलता हुआ जो संबंध है इजराइल के साथ वो निसंदेह व्यवहारिकता पे आधारित है, एंड द डिजायर टू एस्यू हाइपोक्रेसी, और जो उसकी इच्छा है कि वो बचे पाखंड से। बट मिस्टर मोदी हैज इन्फ्यूज्ड हिज विजिट विद द सिंबोलिज्म एंड सब्सटेंस दैट कुड विल मार्क ए पॉइंट ऑफ डिपार्चर इन इंडियाज मोरल सपोर्ट टू द फिलिस्टाइन कॉज, लेकिन वहां से मोदी की जो यात्रा है वो उसने कहीं ना कहीं निहित की है उस संकेतवाद को और उस तथ्यों को, दैट कुड विल मार्क ए पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जो कि स्पष्ट तौर से हो सकता है कि एक अलग होने की बिंदु है, एक अलग होने की स्थिति है, जब भारत एक नैतिक समर्थन देता रहा है किसको, फिलिस्तीन के मामले में फिलिस्तीन को। बाय वे ऑफ कंपैरिजन, यदि तुलना की जाए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिटेड फिलिस्तीन टू व्हेन ही वेंट टू इजराइल इन मे, इसकी तुलना में देखें तो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी
डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन में विजिट की, ठीक है, विजिटेड फिलिस्तीन टू व्हेन ही वेंट टू इजराइल इज मेन, कहा जा रहा है कि वहां से इसकी तुलना में यदि देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने फिलिस्तीन की भी यात्रा की जब उन्होंने इसराइल की यात्रा की मई में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एज फार एज टूडेज हिंदू एडिटोरियल इज कंसर्न।